ग्राम पंचायत सरईपाले में 31/8/2013 को एक आदिवासी कन्या आश्रम का उद्घाटन किया गया, जिसमें लगभग 50 बच्चे एवं अन्य कर्मचारी रहते हैं और इनके शौचालय से निकलने वाले पानी का किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, जिससे श्री बनमाली गुप्ता एवं वार्ड क्रमांक 1 के लगभग 100 से अधिक लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो लड़कियों का हॉस्टल बना है, यहाँ से ये पानी निकल रहा है और ये टॉयलेट का पानी है जी। यहाँ ये गंदा पानी है, इसमें हमें उनको बहुत परेशानी हो रहा है इस पानी से। ये एक ठो मेन रास्ता है और इसी पानी के चलते अनेक प्रकार के बीमारियाँ भी हो रही हैं। कितने बच्चे हैं इस छात्रावास में, आपको कोई जानकारी है? 50 बच्चे हैं। लेटरिन बाथरूम बनाए हैं, मेरे घर के किनारे में बनाए हैं और उसका पानी निकल रहा है तो मेरा दीवार धंस जा रहा है, छबई उबई सब गिर जा रहा है, तो उसको सुविधा कर दें, बोले नाली वाली बना के। नाली को भी लोग साफ़ नहीं करते हैं, मैं खुद साफ करता हूँ। छात्रावास के शौचालय के नाली को आप साफ कर रहे हैं? हाँ, मैं खुद साफ करता हूँ और वहाँ से बदबू आता है, जो कि मैं वहीं नज़दीक मेरा रसोई घर भी है जहाँ मैं खाना खाता हूँ, सोता हूँ और मेरा परिवार रहता है, मेरे छोटे बच्चे भी हैं, कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रभावित ये राजेश गुप्ता जी हैं, बनमाली गुप्ता जी, और ये लक्ष्मण गुप्ता जी हैं, और वो चमार राणा, ऐसे बहुत हैं यहाँ। इस पानी से सबको परेशानी हो रही है जी। तो आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार से इसकी व्यवस्था किया जाए? इसको एक ठो उचित स्थान में सुखता गड्ढा बनाएं और उसमें नाली लेके सुखता गड्ढा तक नाली लेके जाएं और पानी को सुखता गड्ढा में व्यवस्थित करें। हॉस्टल से निकलने वाले पानी संबंधी समस्या को देखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से अनुरोध है कि वे वर्तमान सरपंच श्री क्रांति राठिया को 78-98-044-352 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं, ताकि यहां इस हॉस्टल से निकलने वाले पानी का उचित व्यवस्था किया जाए और एक जगह सूखता गड्ढा बनाकर उसे वहीं पे रखा जाए, जिससे वह गलियों में तथा किसी के घर पे न घुसे। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ड के लिए।